किसी लड़की को कोई बंदा टच करना तो दूर की बात है, उसके तरफ द्वारा देख नहीं सकता। ये इतनी महफूज रब ने और इतनी इसको एक अनसीन ताकत दी है, एक दफा आपकी निगाह दूसरे पे पड़ जाए, अगले बंदे की मजाल नहीं दोबारा वो आपकी तरफ उठा के निगाह को देख सके। जब आप अलाउ करते हो और दूसरा उसमें स्पेस पाता है, तो वो जो पीएन है, वो जो जमादार है, वो भी ट्राई करेगा, क्यों नहीं करेगा? सो दैट्स नॉट द गेम टू ब्लेम देम, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर मेल। इसका ताल्लुक मेल फीमेल से तो है ही नहीं है, इसका ताल्लुक आपके अडोरेबल ना होने से है, इसका ताल्लुक आपके एक्सेसिबल होने से। रिस्पेक्ट कहीं बाहर से नहीं आती। ये जो आपका तहफ्फुज है, ये कुर्ता बुरका स्काफ नहीं करता, ये आपकी निगाह करती है। आप कभी नोटिस करें, गाड़ी में जा रहे हो और सामने से आने वाली लड़की या लड़कियों का ग्रुप, आप सामने नजर आ रही, गाड़ी आ रही है, लाइट पड़ रही है, आप साइड पे हो जाओ, भी तुम्हारा मामा लगता है वो, ना जान ना पहचान। अब तुम उसको मुसलसल यू आर स्टेयरिंग, देख रहे हो, आई कॉन्टेक्ट कर रहे हो, उसको वो ब्रेक नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? ही'ल डू दैट, इनवाइट भी करेगा, बिठाएगा भी, तमाशा भी बना देगा, फिर रो के भागना किस बात पे, मुझे छेड़ा, मुझे उसने ये कहा। सो दैट्स अ टाइम जब आपको खुद से करना होता है। डिग्री ये नहीं सिखाती आपकी, या तो कोई कुलीग बहुत अच्छी हो, को रब ने उसको अच्छे माँ बाप दिए हों, अच्छी लर्निंग दी हो, वो आपको शेरनी बना सकती है, वरना गीदड़ बनने में और शिकार बनने में कितनी देर लगती है। जीवन जब आप बहुत देखें, इसमें आपको मजे की बात बताऊं, दुनिया बदल रही है। पाकिस्तान में कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो सिंगल हैं पर इतनी तगड़ी हैं कि अपने अदारों को लीड कर रही हैं। रुशाने जफर की उम्र मेरा ख्याल अब 40 के करीब होगी, इस वक्त वो कश्यप फाउंडेशन की एमडी है, जब 26 साल की थी तब से वो यही काम कर रही। ये जो है लोरियल फ्रांस, जो इसकी पाकिस्तानी सरबराह है, मुशर्रफ है उसका नाम है, पाकिस्तान में सबसे महंगी मैनेजर है, इतनी तनख्वाह किसी और को नहीं मिलती जितनी उसको मिलती है, शी सिंगल, कितनी तनख्वाह हो सकती है उसकी? 4-5 लाख, 6.25, 6.25, 10 लाख, 10 काफ़ी होते हैं जी, कितनी हो सकती है? ये इससे पहले यूनिलीवर की सरबराह थी, तो लक्स स्टाइल की दुनिया के एक प्रोग्राम में उसका इख्तलाफ हुआ और शी लेफ्ट, वो फिर सिटी बैंक में गई, वहाँ से वो लॉरियल में, और उसने आके लॉरियल को, लॉरियल एक महंगा प्रोडक्ट था, इस वक्त लॉरियल घर घर में है, उसमें इतनी वैरायटी आ गई है, उसके मॉडल, वो पूरी टीम लेके आती है, शी इज़ द टीम लीडर जी। कितनी तनख्वाह होगी? 10 to 12 जी बेटा, ऐसे गेस, 10 में से काफ़ी ज़्यादा है, हाँ 8, ओके 15, सबसे ज़्यादा इस लड़की ने पे सोची है, पे सोचनी चाहिए। उसकी तनख्वाह 40 लाख, 40 लाख महीने की, और होटल्स और जहाज ये सारे इसके अलावा हैं, और ये जो होटल्स का कमरे का एक दिन का स्टे है 30,000 का होता है, 30,000 का, और जो जहाज है जब उस पर आते जाते हैं तो वो नॉर्मल सीट उनको नहीं मिलती, ये बिजनेस क्लास में होते हैं, तो बिजनेस क्लास आम जहाज की टिकट से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बिजनेस क्लास है, अगर कभी आपको उसका मज़ा लेना हो तो जो बाकी है नॉर्मल क्लास, उसमें एयर होस्टेस तब आएगी जब उसका जी चाहेगा, और वो भी आके आपको घूरेगी और आप सोचेंगे कि इसकी शक्ल मेरी अम्मा से मिलती जुलती है, 45 और 50 साल के बीच में है, मैं पीआईए की बात कर रहा हूँ, और एक दफ़ा वो खाना देने के बाद जब घंटा गुजर चुका होगा, आप हाफड़ तप चुके होंगे, तो दोबारा बेल दे दोगे तो आगे से वो कहेगी तो नहीं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन यही होता, करो खा के होना सीखा। पर जो ही आप बिजनेस क्लास में बैठते हैं, द मोमेंट आप जाके बैठते हैं, तो वो सिर्फ आपको सर्व करती है,
सर फिश लेंगे तिक्का लेंगे और अगले ही सेकंड में सबसे गरम गरम अभी सफर जहाज खड़ा है चला नहीं है और वहाँ वो जूस का नहीं पूछेंगे, फ्रेश जूस आता है वहाँ खाने में, आपसे पूछेंगे इटालियन चाहिए, चाइनीज चाहिए, लोकल चाहिए, कॉन्टिनेंटल चाहिए, एंड दे हैव द डिशेस। पूरे सफर में वो ऐसे आप पे जैसे करजोई नहीं आया होता वो वाला हाल होता है, दे आर टू सर्व। मैं एक दफा कोटा गया तो वापसी पे शाहीन एयरलाइंस में, उसमें सारी लड़कियां 6-7 थी, जहाज छोटा था, होस्टेस से ज्यादा थी, तो उन्होंने चाय के कप रख दिए, चाय नहीं दी। तो मैंने पूछा कि चाय आप दे क्यों नहीं रहे, उसने कहा सर वो SOP में लिखा हुआ कि चाय के कप रखने हैं, लेकिन चूंकि लाहौर और कोटा का सफर छोटा हम चाय सर्व नहीं करते। अच्छा जहाँ मैं बैठा था उससे पिछली दो सीटें छोड़ के तो उनकी वो थी, वहाँ बैठ के उन्होंने वो चुगलियाँ की एक दूसरे की। अच्छा मेरा ख्याल था एयर होस्टेस से बड़ी सुलझी हुई समझदार ग्रूम्ड होती हैं, अल्लाह माफ़ करे उस रोज़ मेरा ऐसा तासुर ख़राब हुआ कि हवा में जाके भी ये ठीक नहीं होती, यानी दुनिया से उठ के बंदा इतना ऊँचा हो तो वहाँ तो आपके जो जो उन्होंने गुफ्तगू करनी थी, मतलब आखिर में हालत ये थी कि मैंने अपने कान, अपने आप को कहा अख्तर अब्बास कान बंद कर लो, कान बंद कर, अब ज़्यादा नहीं किए जा सकते, वहाँ जाके भी बाज नहीं आते। अभी पिछले दिनों जो तमाशा हुआ, एक होस्टेस कैनेडा उतर गई, गायब हो गई, पूरी PIA बैन हुई है। इस वक्त दुनिया के अक्सर मुल्कों में PIA नहीं जा सकती इन और एयर होस्टेसों की वजह से, इनके बैगों से कभी हीरोइन निकलती थी, कभी किसी ने कुछ चीज़ें दे दी, लाइक कपड़ा दे दिया, सोने दे दिए, अपना वो पैसे उसमें से ले लेती थी और वहाँ पहुँचा देती थी, फिर बिलाखर जो जो कानून है जब जब तोड़ते हैं तो बिलाखर डिसग्रेस के साथ वो होता है। पिछले दिनों मैंने एक ये जो मैकडॉनल्ड्स विजिट किया, कौन सा स्टेडियम है, फोर्ट्रेस वाला, तो मैंने लड़की से पूछा कि वो कोट और पैंट पहनी हुई थी, हाउ आर यू फीलिंग, सर वेरी कंफर्टेबल, इनफैक्ट माहौल इतना अच्छा है, मुझे इतने माह हो गए, इवन नोबडी बॉदर टू टच मी, इतने अरसे में कभी किसी ने मुझे टच भी नहीं किया और कभी किसी ने मुझे गलत निगाह से भी नहीं देखा, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनेज दिस, एवरीबडी हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट टू अस, सो आई एम वेरी प्रोटेक्टेड। लेकिन जो ही मैं ये यहाँ से घर जाना होता है तो उसने कहा वो हमारा कमरा है, वहाँ से जाकर मैं बुरका पहनती हूँ। शी वॉज लिविंग इन रहमानपुरा और इछरा, तो उसने कहा हमें जो गाड़ी छोड़ के आती है पर उसमें भी हम नॉर्मल अपने कपड़ों में नहीं जा सकते, सो ये एक कमरा है या चार दीवारी है जहाँ वो यार सेफ, सर भी नंगा उसमें उनका होता है, पर जैसा यानी ये बहुत कम अदारे होते हैं जो उसकी टेक केयर करते हैं। ये जो है देवो, ये अपनी लड़कियों का बहुत ख्याल करते हैं, जब उतरती हैं तो इवन उनको फ़ौरन उनके लिए दो दो लड़कियों के लिए अलग अलग गाड़ी होती है जो उनको घर ड्रॉप करती है, और उन्होंने ड्राइवर के सर पे कैमरा लगाया हुआ है कि पूरे सफ़र में वो आपस में रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे, चूँकि मुझे बहुत कंजेक्टिव सफ़र करना होता है तो चीज़ें आपके सामने निगाह में रहती हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि ड्राइवर गाड़ी चलाता चलाता करे और फिर क्या हाल है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ऊपर वो लगा हुआ है और किसी एक ने जो सोचा होगा ना वहाँ से डायरेक्ट उसकी रिपोर्टिंग, जैसे अभी आपकी गाड़ी के साथ वो लगा हुआ होता है इंस्ट्रूमेंट जहाँ से आपका ट्रैकिंग हो जाती है, तो दैट्स द वे, इफ़ यू आर विलिंग टू प्रोटेक्ट अ पर्सन अ गर्ल तो वो आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट बनती है, क्रेडिबिलिटी बनी है डेवो की कि लड़कियाँ फर्स्ट टाइम यहाँ होस्टेस के तौर पर आई। अभी इन्होंने उनके लिए ब्यूटी छोटे पार्लर हैं वो बनाए हैं, क्योंकि जो पेशावर से आती थी वो लिपस्टिक लाल लगाती थी तो वो बहुत उठ के आती थी, जो यहाँ से जाती थी ये ग्लॉसी लगाती, ये थोड़ी लाहौर की बच्चियाँ निस्बतन ग्रूम्ड होती हैं, ये जो बहुत चमकीली भड़कीली नहीं लगाती, सो पिंडी वाली और तरह लगाती थी, वो लगाती और तरह, अब उन्होंने फिर उनके लिए वो मैट वाली लाजिम की है, मुझे इसका नहीं इल्म था
लेकिन अब चूंकि हम ट्रेनिंग में हैं तो बहुत सी चीज़ें फिर आपको तो वो जो जब वहाँ से निकलती हैं तो जो उनकी है ट्रेनर या उनकी पार्लर और उसे वो कहते हैं जैसे नहीं जैसे हेयर स्टाइलिस्ट होती है ना तो ऐसे इसका नाम भी कुछ स्टाइलिस्ट करके उन्होंने रखा हुआ है तो उसको बताती हैं कि इनफैक्ट इसका मतलब है आप या तो सेक्सुअली इन्वाइट कर रहे हो या उसको स्टॉप कर रहे हो। अमेरिका में लड़कियों को बॉडी लैंग्वेज की पूरी तालीम दी जाती है कि जब आप बैठते हो टांग पे टांग रखनी है कि नहीं रखनी और अगर रखोगे तो उसका मतलब क्या है, अगर टांग रख के आप इस तरह बैठे हो तो इसका मतलब क्या है, अगर टांग थोड़ी सी पीछे है तो उसका मतलब क्या। जितना एंगल बदलता जाएगा उतनी आपकी रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट होती जाएगी। अगर कभी आप देखें उनकी जितनी बड़ी बड़ी एग्जेक्टिव्स हैं उनकी कंपनियों की, इवन सीईओज और चेयरमैन वो जब बैठती हैं तो इवन वो सब जीन्स पहनती हैं या सूट पहनती हैं पैंट पहनती हैं तो उनकी टांग यूं होती है, नीचे को उसका रुख होता है ज़मीन की साइड पे, यानी ऑलमोस्ट ये उनका पोस्चर होता है। दुनिया में कोई मर्द दूसरे के कंधे पर हाथ नहीं रख सकता, उसका अपना अनाउंसमेंट है। हाथ पकड़ के चलने का यानी इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आप बैठते हो आप किस तरफ देखते हो इवन हाथ मिलाते हो तो ये जो लेंथ है ये तय करती है आप कैसे हो, आपका घर कैसा था, आप किस खानदान में पले हो, इवन किस मोहल्ले में किस घर में रहे हो और आप अंदरूनी शहर से हो छोटे घर से या बड़े हवेली में रहते हुए। ओके वैसे कॉर्पोरेट में तो मैं 19 तरह हाथ हिलाना सिखाता हूँ। हाथ मिलाने के बारे में जो एक लर्निंग हमने सीखी वो ये थे कि विद इन वन सेकेंड यू कैन डिसाइड आइदर शी और ही वुड बी अ फ्रेंड और एनिमी। ये एक मिनट में नहीं सेकेंड में पता चलता है जब आप किसे हाथ मिलाते हो। ये इतनी शानदार चीज है पर ये इल्म है। आप किसी ऐसी लड़की से कभी दोस्ती करना चाहोगे जिसका हाथ लजलजा मरी हुई मछली जैसा हो, आप हाथ में लो तो आपको आखिर में ना कोफ तो यार किससे हाथ मिला बैठी हूँ, जेलीफिश से हाथ मिला के कैसा राहत आएगी, वाह मैंने जेलीफिश से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने का मतलब है आप उसको मैसेज दे रहे हो कि आई एम रिस्पेक्टफुल गर्ल और मैं तुम्हारी, देखो सलाम क्या है, अस्सलाम वालेकुम, बी अवेयर मेरी तरफ से तुम्हें कोई शर नहीं पहुंचेगा, तुम्हारी इज्जत मेरी तरफ से महफूज, ये अनाउंस कर रहे हैं। ये दो लफ्ज नहीं है, पूरी जिंदगी का मैसेज आप उसको दे रहे हैं। किसी दुश्मन को आप नहीं ये देते, जब आप हाथ मिलाते हैं तो बताते हैं। अल्लाह के रसूल के बारे में कहा जाता है दुनिया में सबसे पसंदीदा हाथ वो मिलाते थे और हाथ छुड़ाते नहीं थे और हाथ में ग्रिप होती थी, मैसेज होता था। और इवन समटाइम ये भी हुआ कि औरतों ने उनका हाथ पकड़ के यूं घुमाया और हजरत उमर ने गुस्से में कहा कि बस वही कर, बीच सड़क उसने पकड़ लिया। अच्छा अल्लाह के रसूल वो बैत इस तरह नहीं कराते थे लेकिन बाद दफा हुआ ये खवातीन ने आके ये किया पर आपने उनसे हाथ नहीं छुड़वाया और वो यहां से मिलाते थे इस जगह से हाथ। अभी साइंस ये कहती है कि यहां से फौरी तौर पर आपके ब्रेन को मैसेज जाता है, ये जो सेकंड का मैं कह रहा हूं क्योंकि अब तो हर चीज साइंटिफिक हो जाती है। लाइक हमें इल्म है गुस्सा हराम है, शराब भी हराम है, उतनी ही हराम है, दोनों में जो चीज़ कॉमन है हराम होने की, शराब पीते हैं तो आपके पास डिसीजन ख़त्म हो जाता है, अल्टरनेटिव ख़त्म हो जाता है, आप एक ही तरह सोचते हो और अगर आप गाड़ी चलाते हो डेफिनेटली आप जाके मारोगे अगले बंदे की टांगें तोड़ोगे, तो शराब में पी के भी यही होता है, आपके पास अल्टरनेटिव ख़त्म हो जाते हैं ज़िंदगी में। सिर्फ वन साइडेड जो जो चीज़ हराम है उसमें नुकसान, अच्छा कुरान पाक की आयत है कि उसमें फ़ायदे भी हैं पर नुकसान ज़्यादा है। अच्छा जब जब हम ज़िंदगी से नहीं सीखते तो हमेशा प्रॉब्लम होता है। डिल्सिनिया में जो बहुत बुनियादी चीज़ सीखने की है ये सिर्फ आपसे ताल्लुक़ इसका नहीं है, इसका ताल्लुक़ आपकी फैमिली से है। यू माइट बी अ डिल्सिनिया फॉर योर फैमिली, आपकी फैमिली आपको एडमायर करे, आपके मिलने वाले इवन आप बहू बन के कहीं गए हो लोग कहें यार जिसके मिल के आए हैं। अच्छा जो लड़की खुशी से खाना नहीं खिलाती वो अडोरेबल नहीं कभी बन सकती, जो मेहमानों के आने पे मुंह बनाती है उसे तकलीफ होती है फिर आ गए नहीं वो कभी अडोरेबल नहीं बन सकती, जो लड़की मोबाइल को अटेंड करते करते मेहमानों को इग्नोर कर देती है वो कभी अडोरेबल नहीं बन सकती।
जो लड़की सामने बैठे हुए किसी अजीज के मौजूदगी में फोन लंबा सुन रही हो वो अडोरेबल नहीं बन सकती, ये इंसल्टिंग है। अडोरेबल बनने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल से अंदर से उनको मूव होना चाहिए। उनको देखिए, जब आप तवे पे कोई चीज़ रखते हैं तो कुछ देर में तवा खुद बताता है कि मैं गर्म हो गया हूँ। जब आप आमादा होते हो अपने आप को बदलने पे, तो आपके पूरे रिफ्लेक्सेस तैयार होते हैं कि यस आई एम रेडी, आई विल बी चेंज्ड। कोई बंदा दुनिया का, आपकी सांस, क्या सांस की सांस भी आपको चेंज नहीं कर सकती, माँ कर सकती है। एक लड़की की शादी हुई तो उसके मियाँ ने उसे कहा कि सुना तुम्हारी माँ बड़ी तारीफ कर, तुम खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। उसने कहा सारे खाने आते हैं। उसने कहा ठीक है फिर तुम मुझे ना ब्रोस्ट बना के खिलाओ, पूरा चरगा बनाओ, फुल साइज का चरगा। वो उसने चरगा बनाया, बना के जब डिश में सर्व किया तो उसके दो हिस्से थे। तो उसने कहा ये क्या मजाक है, चरगा तो फुल पीस होता है पूरा, तुम दो बना के लाई हो, ये गलत है ये। उसने कहा गलत नहीं है, मेरी माँ बनाती थी, मैंने तो अपनी माँ से सीखा। उसने कहा अच्छा। शाम को अपने ससुराल गए, जाकर उसने अपनी सास से कहा कि अम्मा हजूर ये आपकी बेटी ने बड़ी हमाकत की, एक तो चरगा तोड़ दिया बीच में कहती है मेरी माँ ने ऐसा सिखाया। तो उसने कहा हाँ मैंने अपनी माँ से सीखा। दो तीन दिन बाद उसकी जो दादी सास थी वो विजिट पे आई, उसने वहाँ जाके भी वही शिकायत की। तो दादी ने कहा वे पुत्र इन बेवकूफ़ को पता नहीं मेरे पास तो भांडा छोटा था इसलिए मैं काट के डाल दी थी, वरना तुम सही कहते हो ये पूरे का पूरा ही डलना चाहिए। लड़की इतनी ब्लाइंड चलती है, अपनी माँ को फॉलो करती है, पर माँ के पास अगर देने को बेटा नहीं है तो अब नहीं दे सकते। मैंने जो बहुत ज़िंदगी में फील किया, अगर दो बहनें हैं, तीन बहनें हैं, नॉर्मली बहनों को लड़ने से फुर्सत नहीं, वरना बड़ी बहन को देना चाहिए, उसको अडोरेबिलिटी देनी चाहिए, उसको ज़िंदगी में सिखाना चाहिए। अच्छा हम सोचते हैं बड़ी बहन को सब पता होगा, इतनी बेवकूफ़ है कख नहीं पता होता। यानी शादियों के बाद सबसे ज़्यादा तंग वो खुद होती हैं, यानी चूँकि उन्हें बताता ही कोई नहीं है, सबका ख्याल होता है बड़ी है इसको तो हर बात का पता होगा, हर चीज़ केयर करेगी, रिश्तों को भी संभालेगी, उसको भी हैंडल करेगी। और ये जो देखिए हम दुनिया में देखते हैं कि शीशे का कोई सामान हो, ये फ्रिज या टीवी, उस पर भी लिखा होता है हैंडल विद केयर। इवन वो जो साइन है ये तक बना हुआ होता है कि इसको अपवर्ड्स रखना है, बना होता है ना घर में कभी आया हो, हैंडल विद केयर, इसके अंदर शीशा है। ये जो आप लोग हो आप तो बने ही शीशे के हो, यानी आपके लिए हैंडल विद केयर का जो लफ्ज है वो यूं होना चाहिए, हैंडल विद केयर की ताकत दो।